प्यारे भैया बहनों, आज अपन कक्षा 7वीं हिंदी विषय का पहला पाठ पढ़ेंगे। अपने पाठ का शीर्षक है मेरी भावना। मेरी भावना कविता विधा से लिया गया है और इसके कवि है जुगल किशोर युगवीर। जुगल किशोर युगवीर ने मेरी भावना नामक कविता अपनी पाठ्यपुस्तक में लिखी है, जिसका उद्देश्य अपनी इच्छा या मन की हमारी जो भावना है वो किस प्रकार से हो, इस प्रकार के विचार कवि ने इस कविता में दिए हैं। तो कवि का जो उद्देश्य है वो सभी को आपसी भाईचारा, सहयोग, परोपकार, इस प्रकार से नैतिक गुणों का विकास करना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। तो इस कविता में अपन देखते हैं, पहला पद जो है उसमें कवि ने बताया है कि अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं। कवि बताना चाहता है कि मैं अपने हृदय के अंदर अहंकार का भाव नहीं रखूं और ना ही किसी पर क्रोध करूं। देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या भाव धरूं। जो दूसरे लोग उन्नति कर रहे हैं उनकी उन्नति को देखकर मेरे मन में किसी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं हो, अर्थात दूसरों की उन्नति को देखकर मैं अपने हृदय के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न नहीं करूं और उनकी बढ़ती हुई उन्नति को देखकर मेरे मन के अंदर भी प्रसन्नता के भाव व्यक्त हो। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। मेरी भावना, मेरी इच्छा, मेरा स्वभाव इस प्रकार बन जाए कि मैं हमेशा सरल और सत्य व्यवहार करूं। बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। जीवन में जहां तक हो सके मैं दूसरों का उपकार करूं, उनका भला करूं। जहां तक बन सके उपकार करूं और भला करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। जो संसार के जितने भी जीव हैं उनके प्रति मैं मित्रता के भाव रखूं। सारे संसार के जितने भी जीव हैं उनके प्रति मित्रता की भावना रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे उसे करुणा स्रोत बहे। जो दीन दुखी जीव हैं उनकी दृष्टि से उनके लिए मेरे हृदय में करुणा की भावना हो। जो दीन दुखी लोग जीव हैं उनके लिए मेरे हृदय में करुणा की भावना हो। दुर्जन क्रूर कुमार्गतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। जो दुर्जन है, जो क्रूर है, जो गलत रास्तों पर चलने वाले हैं उनके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का क्षोभ न हो, घृणा न हो, हीन भावना न हो, ऐसे विचार मन के अंदर बन जाए। साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जाए। मैं इन सब के लिए समान दृष्टि रखूं, ऐसा मेरी विचारधारा बन जाए। ऐसी विचारधारा बन जाए जो दुर्जन है, क्रूर है, कुमार्ग पर चलने वाले हैं उन सबके प्रति मेरे मन में किसी प्रकार की ग्लानि न हो और उन सबके प्रति मैं समानता का भाव रखूं, ऐसे मेरे विचार बन जाए। फिर आगे, गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आए। जो गुणवान लोग हैं उनको देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए। बने जहां तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पाए और जहां तक हो सके गुणी जनों की मैं सेवा करूं और मेरे मन को सुख प्राप्त हो। फिर, हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उराए। मैं कभी भी जो गुणीजन है, उपकार करने वाले हैं, उनके प्रति कृतज्ञ न बनूं और उनके प्रति किसी प्रकार का विद्रोह मेरे हृदय के अंदर उत्पन्न न हो। गुण ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषों पर जाए। हमेशा गुणों को ग्रहण करने का मेरा विचार रहे, अर्थात मैं हमेशा गुणों को ग्रहण करूँ, कभी न दोष के ऊपर मेरी दृष्टि जाए, अर्थात मैं दूसरों के दोषों को देखने की कोशिश नहीं करूं, हमेशा गुणों को ग्रहण करने का प्रयास करूं। कोई बुरा कहे या अच्छा, लक्ष्मी आए या जाए। संसार में मुझे कोई बुरा कहे, मेरे पास लक्ष्मी रहे या न रहे, लाखों वर्ष तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जाए, मैं लंबे समय तक इस संसार में जीऊं या फिर मुझे मृत्यु आज ही आ जाए। फिर, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आए, मुझे कोई कैसा भी भय दे, लालच दे,
तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पाए, कोई मुझे भय दिखाए, लालच दे, फिर भी ऐसी स्थिति में भी न्याय के रास्ते से मैं कभी हटूं नहीं, अर्थात मैं न्याय के रास्ते पर चलता रहूं। फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। इस संसार में सभी जनों का आपस में प्रेम बना रहे और उनका जो मोह है वो दूर हो जाए। अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं, जो अप्रिय शब्द है, जो कठोर शब्द है, वो कभी अपने मुख से नहीं कहें, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने हृदय से, अपने मन से किसी के प्रति कटु विचार या ऐसे विचार नहीं रखे जिससे कि एक दूसरे का आपस में प्रेम खत्म हो या कोई व्यक्ति व्यक्ति से टूटे। अप्रिय कटु कठोर शब्द नहीं कोई मुख से कहा करे, कोई भी अपने मुँह से कठोर शब्द नहीं कहे। और आगे क्या कहा गया है, बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रहा करे। सब लोग युगवीर बने और देश की उन्नति का संकल्प ले। सब लोग क्या बने, युगवीर बने और देश की उन्नति का संकल्प ले। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। सारे दुख संकट को सहते हुए खुशी के विचार उनके मन के अंदर रहे। इस प्रकार से जुगल किशोर युगवीर ने मेरी भावना नामक शीर्षक से हमें यह कविता दी है। कविता में जो एक दूसरे के प्रति साम्य भाव रखने की, सरल सत्य व्यवहार करने की और मानवता की ओर प्रेरित करने का संदेश दिया गया है। तो उसके पश्चात शब्दार्थ भी पाठ के पीछे वाले पेज पे दे रखे हैं, प्रश्न उत्तर भी है। इसके अंदर जो शब्द हैं उसमें पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, वर्तनी शुद्ध करने वाले शब्द है। इन सब शब्दों का अपन घर पे वाचन करेंगे और कविता का जो भाव आपको समझाया गया है उसे आप घर पर समझने का प्रयास करेंगे और प्रश्न उत्तर जो है उन्हें आप पुस्तक के अंदर से कविता से छांट कर समझने का प्रयास करेंगे। और विलोम शब्द दे रखे हैं, वर्तनी शुद्ध वाले शब्द दे रखे हैं, इन शब्दों को आप घर पे अभ्यास करेंगे और पूरा पाठ समझने का प्रयास करेंगे।